दोस्तों ये नमक डालना है 1 चम्मच, धनिया, मिर्च, हल्दी, ये सारा कुछ अच्छे से मिला लिया है। अब इसको तुरई में भरेंगे। दोस्तों जिस कटोरी में हमने मसाला लिया था उसी में पानी डाला है, ताकि ये मसाला जो बचा था वो इसी पानी में घुल के और सब्जी में डाल देंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। आज हम बनाएंगे तुरई की सब्जी। ये देखो तुरई रखी हुई है, 2 प्याज हैं, 2 लहसुन। इन प्याज और लहसुन को हम पीस कर डालेंगे और तुरई को छील लेंगे और तुरई भर के बनाएंगे। दिखाते हैं आप लोगों को कैसे हमारे यहाँ तुरई की सब्जी बनती है। तो अभी तुरई छील रहे हैं, उसके बाद काटेंगे। तुरई को ऐसे चीर लिया है, अब इसको टुकड़े टुकड़े करेंगे, उसके बाद इसमें मसाला भरेंगे। देखो ऐसे इसके अंदर मसाला भरेंगे, ऐसे बंद कर देंगे। दोस्तों प्याज को काट रहे हैं, उसके बाद इसको पीसेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। गैस अब प्याज और लहसुन को पीस रहे हैं और इसमें जीरा और काली मिर्च डाल दी है। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अभी संगीता दोस्तों रोटी बना रही है, इधर चावल पक गए। ये इसकी सीटी खराब है, बराबर सीटी निकलती रहती है दोस्तों। और उधर आज तुरई की सब्जी बनाएंगी, पहले रोटी बना लेती उसके बाद में ये भर के बनाओगी ना? हाँ। भर के दोस्तों तो तुरई की सब्जी बनाएंगी और पहले इसको रोटी वोटी बना के रेडी हो जाती है, उसके बाद इसको भरेंगी। मसाला वगैरह पीस दिया ना? हाँ। मसाला वगैरह सब पीस लिया, उसके बाद में इसको भरेंगी। कट कर दिया है, छील बीच में बीच से फाड़ भी दिया है, भर के फिर तुरई की सब्जी बनाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। आज बने रहना वीडियो में। अभी मैं चाय पीने जा रहा हूँ, ये चाय रखी है, कभी कभार चने खा लेता हूँ तो। और ये कुरकुरे रखे हैं एक पैकेट, तो ये सब पापा वगैरह चाय पी गए, मैं बचा था तो मैं भी पीने आया हूँ। छोटे बाबू बड़े बाबू सब नीचे हैं, उनको गुस्सा लगती है कि मोबाइल नहीं सुबह सुबह देते, इसीलिए। दोस्तों ये नमक डालना है 1 चम्मच, धनिया, मिर्च, हल्दी। लाए थे उसी में सारा कुछ डाला है, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसे ये सारा कुछ अच्छे से मिला लिया है, अब इसको तुरई में भरेंगे। भर दिया है, ये देखो इस तरह से भरी हुई है और अभी इतना मसाला बचा हुआ है दोस्तों। तो इसको अभी जब छौंकेंगे सब्जी को, तब उसमें तेल में प्रयोग कर लेंगे, छौंकने में प्रयोग कर लेंगे। ये तेल ले आई है संगीता और अभी इतना भर गया है, पूरी भर गई है तुरई। और ये दूध रखा था दोस्तों, तो दूध हटा दिया है, अब सब्जी छौंक देंगी दोस्तों। भगवान में छौंकेंगी, क्योंकि कढ़ाई में भी छौंकती हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं भगवान में छौंकती हैं, किसी किसी में बटुई में छौंकती हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार की जगह में अलग अलग प्रकार सब्जी बनती है दोस्तों। तो हमारे यहाँ भगोने में बनाई जाती है। हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें तेल डाल देंगे। दोस्तों इतना जीरा डालेंगे, अभी तेल गर्म हो जाए तब तक वेट कर रहे हैं।
दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका, अब जीरा डाल रहे हैं, अब मसाला डालेंगे जो मैंने बचाया था उसमें से भरने से। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दोस्तों अब तुरई डाल देंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे। देखो इस तरह से हो गया। अब इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, फिर पानी डालेंगे। दोस्तों जिस कटोरी में हमने मसाला लिया था उसी में पानी डाला है, ताकि ये मसाला जो बचा था वो इसी पानी में घुल के और सब्जी में डाल देंगे। दोस्तों थोड़ा और डालेंगे, बस अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट तो लग ही जाएंगे पकने में, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को कैसी सब्जी हमारी बनी है। दोस्तों सब्जी हमारी पक चुकी है और ये है इमली, ये देखो। ये है इमली, इसको हम सब्जी में डालेंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो। दोस्तों तुरई की सब्जी हमारी पक के रेडी हो चुकी है, इस तरह इसका कलर आया है और इमली डालने से देखो ये इस तरह से है। और इसमें अब हम गोल्डी मसाला डालेंगे ताकि सब्जी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाए। दोस्तों इस तरह ये देखो इमली भी पड़ी हुई है, ये देखो, ये देखो। तब तक सब्जी हमारी पकी, तब तक हमने बर्तन धो लिए, ये देखो। और अभी सब्जी जिसमें पकाई थी वो भगोना रह गया है, उसको अभी धुलेंगे। दोस्तों संगीता ने जो सब्जी बनाई थी तरोई की वो बन के रेडी हो गई और मैं खाने आया हूँ। दोस्तों ये है रोटी, ये चावल, ये तरोई की सब्जी, ये मूली। आइए दोस्तों पानी है जो हमारे यहाँ अभी नई टंकी बनी हुई है उसी का पानी पीने लगे हम लोग। अच्छा पानी दे रहा है क्योंकि 500-600 फीट नीचे से आ रहा पानी, तो बहुत अच्छा है। सिर्फ थोड़ी देर सुबह थोड़ा सही नहीं आता है, भरा हुआ पानी आता है, उसके बाद में बहुत सही पानी आता है। तो हमारे यहाँ सप्लाई चालू हो गई दोस्तों है, लेकिन अभी चेकिंग हो रही, कहीं कहीं टूटी लग रही, किसी के घर में कुछ हो रहा है, अभी सही नहीं हो रहा, सब चेक कर रहे हैं। तो अभी रोटी खा लेता हूँ। दोस्तों वो खाना पीना खा लिया था, उसके बाद में मतलब बिल्कुल वीडियो भूल ही गए, क्योंकि मैं सोचा कि ये वीडियो बनाएंगी लास्ट में कंप्लीट कर देंगी, और मैं मोबाइल में एडिटिंग करता रहा, करने के बाद में इधर उधर थोड़ा काम था वो भी करने लगा और रात हो गई और ये मोबाइल में वीडियो पूरा करने को भूल गई। और अब रात को दवाई ववाई खा के खाना पीना खा के फ्रेश हो गई, जब लेटने जा रही तब इनको याद आ रहा है, हम लोगों को याद आया कि वीडियो हमारा अधूरा पड़ा है, तो अब बना दे रहे हैं। कोई बात नहीं, सॉरी दोस्तों, अभी क्योंकि इनको जो तुरई बनाई थी वो खाने को मतलब वीडियो में नहीं दिखाया कैसी क्या है, इनसे स्वाद भी नहीं पूछा गया कुछ भी, तो सॉरी दोस्तों, कोई बात नहीं। अब की बार जो वीडियो बनेगा वो क्लियर बनेगा, सही से बनेगा। अब की ये वाला वीडियो थोड़ा ख़राब हो गया दोस्तों, क्योंकि दोपहर सुबह से लेके पूरा दिन मैंने वीडियो बनाया नहीं और सीधे शाम को आ गए तो दोस्तों सॉरी। और हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।